करंट अफेयर्स के सीरीज में और करंट अफेयर्स 2021। आज का पहला प्रश्न है, स्पर्श एकीकृत प्रणाली पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी रेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर दो, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विकल्प के रूप में नरगोल बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहे उदयन माने किस खेल से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी हॉकी, सी गोल्फ और डी क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन गोल्फ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, अक्सर चर्चा में रहने वाला इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? ए ऑप्शन है 193, बी 27, सी 100, डी 57। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 57। पांचवा नंबर का प्रश्न देखिएगा, ब्रायन भारतीय एनसीज जो हाल ही में चर्चा में है क्या है? ए ऑप्शन है सांप की एक प्रजाति, बी पौधे की एक प्रजाति, डी कोरोना का वेरिएंट और डी यानी सी है कोरोना का वेरिएंट, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका होगा बी पौधे की एक प्रजाति है। छः नंबर का सवाल देखिएगा, किसने विंबलडन 2021 में महिला एकल खिताब जीता है? ए कैरोलिना, बी एसले बार्टी, सी एंजेलिक कर्बर, डी सेरेना विलियम्स। इसका सही आंसर होगा बी एसले बार्टी। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे कप्पा क्या है? ए एग्रीकल्चर ऐप, बी सैन्य अभ्यास, सी कोरोना वेरिएंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोरोना वेरिएंट। 8वां नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है? ये उरुग्वे, बी चीन, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा सी अर्जेंटीना। 10वां नंबर का सवाल है, ट्विटर का शिकायत अधिकारी कौन है? ये प्रेस बी लाल, सी या बी स्फूर्ति प्रिया, सी विनय प्रकाश, डी राजेश बंसल। तो इसका सही आंसर होगा सी विनय प्रकाश। ठीक है, आज के वीडियो में इस 10 सवाल को हम लोगों ने देखा और ये बीपीएससी, सीडीपीओ, ऑडिटर, साथ साथ जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी जुलाई में और अगस्त में होने वाला है, ठीक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके।